हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो जीडी में आपका रीजनिंग के अंदर 20 नंबर का सिलेबस है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो 20 नंबर कौन कौन चैप्टर से पूछा जा रहा है, कौन सा चैप्टर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसको किस में आपको कम ध्यान देना या नहीं पढ़ना है, ठीक है, सारा बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मेरे द्वारा हर एग्ज़ाम का, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम का, हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। उसी बेसिक्स पर यह वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। हर एग्ज़ाम का एनालिसिस करा, चाहे वो CGL हो, CHSL, MTS, सब एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नंबर शो हो रहा होगा वहाँ पे ऊपर में, ठीक है, एक नंबर शो हो रहा होगा। आप उस नंबर पे व्हाट्सअप में, मतलब कि जो CGL 2022 में जो भी रिसेंट में एक दो दिन पहले, जो दो चार दिन पहले पेपर समाप्त हुआ CGL 2022 का, CGL 2022 का ऑल GK GS का PDF आपको एक नंबर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, उस पर मैसेज करके ले सकते हैं। चूँकि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो GK GS ऑल CGL 2022 का ऑल GK जिसका PDF आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मिल सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन मतलब पूछा जा रहा है उसमें। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का। रीजनिंग के अंदर जो कोई बड़ा चैप्टर का बात कर रहे हैं हम, कोई बोलिएगा सर एक चैप्टर बताइए जिसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, तो वो चैप्टर ये है कोडिंग डिकोडिंग। सबसे ज़्यादा, चाहे वो आप इससे GD का एग्ज़ाम लीजिए या CGL तक का एग्ज़ाम लीजिए, सब में वेटेज ज़्यादा सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग का रहता है। कोडिंग डिकोडिंग से कितना प्रश्न पूछा जाता है? लगभग 4 से 5 प्रश्न सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। इसमें कैसा कैसा प्रश्न रहता है आप लोग जानते होंगे कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे ABCD दिया हुआ था, A का उल्टा वाला कभी पूछ दे, जो जेड होता है, B का उल्टा Y होता है, हम ये सब पहले बहुत पहले पढ़ा भी चुके हैं। A का उल्टा जेड होता है, कैसे याद रखें, जेड आ जाए, B का उल्टा Y, तो भी बाद में बात करेंगे उसका। उल्टा वाला पूछ दे, या नंबरिंग कभी घटा बढ़ा देता है, इस टाइप का क्वेश्चन। कभी कभी यदि भोबेल है तो भोबेल को एक जोड़ के आगे लिखिए, कॉन्सनेंट को एक घटा के आगे लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाता है। आगे बात करें डायरेक्शन डिस्टेंस से, लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। दिशा वाला सवाल, राम मतलब कि रामपुरा में 10 किलोमीटर गया, पश्चिम में 12 किलोमीटर, जो भी हो ऐसा सब क्वेश्चन। सीरीज से बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग के बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है वो सीरीज से रहता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन रहता है? जैसे यहाँ 4 दे दिया, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे जो भी है, तो पूछ दिया यहाँ पे क्या होगा, मतलब एक सीक्वेंस चलता है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे 6 का आपको, इस टाइप के क्वेश्चन, या तो बढ़ा के घटा के, इस टाइप के क्वेश्चन रहता है सीरीज से। वेन डायग्राम से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ ही देता है। आगे बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग मिला करके 1 से 2 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठन व्यवस्था जो वृत्त बना हुआ है, 5 लड़के बैठे हुए हैं, 6 लड़के बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह है, राम बाय से इसका इतना है, वो तो ऐसा प्रश्न हो गया। और रैंकिंग क्रम वाला कभी कभी पूछता है ना कि राम ऊपर से 10वें नंबर पर कक्षा में, नीचे से 11वें नंबर पर, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन। तो इन दोनों मिला के अलावा 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ ही देता है। कथन निष्कर्ष से मैं बात करूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन, लगभग 1-1 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में रहता है कथन निष्कर्ष से, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं तो सबसे कम ध्यान देने वाला चैप्टर जो रीजनिंग के अंदर, यदि अभी तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं और आपका SSC GD का एग्ज़ाम है, तो यदि कम भी ध्यान देते हैं तो चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग में, इन इधर वाले में जितना भी हमें लिखाया हूँ, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, सीरीज हो, टेस्टिंग डिस्टेंस, इस सब में सीटिंग अरेंजमेंट, कथन निष्कर्ष में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे इधर कम ध्यान क्यों देना है क्वेश्चन, इसी से इससे भी पूछा जाता है, लेकिन बताते हैं इसका रीज़न क्यों इधर कम ध्यान देना है। बात करें ब्लड रिलेशन का, हम रक्त संबंध का, तो हम SSC CGL का भी एनालिसिस करवाए हैं, CHSL का भी करवाए हैं, MTS सब का भी करवाते हैं। तो देखिए, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं रहता है, किसी किसी में गैप भी मार देता है, नहीं भी रहता है क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन अच्छा चैप्टर है, पूछा भी जाता है, बट हर शिफ्ट में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी कोई शिफ्ट में नहीं भी रहता है। कैलेंडर क्लॉक का वही हाल है, अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन लगभग इससे खूब पूछा जाता है भाई, बट कभी कभी गैप भी मार देता है, सब ये सब है कि हर शिफ्ट में आपको पूछेगा। डाइस पासा के साथ वही है, पूछता है, बट कोई कोई शिफ्ट में गैप भी रहता है, नहीं भी रहता है। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वही हाल है, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कभी कभी रहता भी है, लेकिन कभी कभी नहीं भी रहता है। वाटर इमेज, मिरर इमेज से भी एक एक क्वेश्चन रहता है, कभी नहीं भी रहता। तो इधर वाला जो 5 चैप्टर है, ये यदि आप कम भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब कि, तो ये वाला बात हो गया कि आप कभी कभी आ भी जाएगा पेपर में, कभी नहीं भी आएगा, बट कोडिंग रिकॉर्डिंग से 4-5 क्वेश्चन आपको कोई नहीं छूने वाला है, पूछेगा ही। डायरेक्शन डिस्टेंस, सीरीज, वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग वाला हो गया, या तो कथन निष्कर्ष, ये सबसे क्वेश्चन आता जाता 100% कन्फर्म है, लेकिन इधर 50-50 वाला हाल है, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट है।
तो यही था, आपका कोई क्वेश्चन रह गया होगा आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आपको साइड में एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप में, मतलब जीके जीएस सीजीएल जीके जीएस का 2022 का जो रिसेंट में अभी ख़त्म हुआ है उसका ऑल शिफ्ट का जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पॉलिटिकल वगैरह के रिपीट करता है, जैसे वो आर्टिकल हुआ चाहे वो कोई भी क्वेश्चन लगभग कभी कभी रिपीट भी करता है, तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं क्योंकि एसएससी तो लगभग रिपीट करता है क्वेश्चन। तो चलिए, कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जो बताइए, मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो आपको आपका तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और चलिए मिलेंगे, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ग्रुप वगैरह शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।